हेलो राधे राधे आप सभी को। और सुबह सुबह राधा नाम सुनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अगर राधा नाम सुबह से सुनो ना तो लगता है शरीर में एक एनर्जी टाइप है। तो अपना जितना भी काम है आप जल्दी जल्दी से करते जाओगे, चाहे जो भी घर का काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो या खाना बना रहे हो, राधा नाम सुनते जाओ और बढ़िया काम करते जाओ। देखो कितनी जल्दी काम भी हो जाता है। यहाँ मैं लल्ला सुबह उठ चुके थे, बज गया था 7, तो ठंडक होने लगी, थोड़ा लेट ही लल्ला को उठा रहे हैं। आप सुन रहे हो गाना भी बज रहा था साथ हमारे। यहाँ पे मैं पानी गर्म करने लगी थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन वीडियो मैंने रोक दी थी तो इतना लेट नहीं लगा हुआ। प्यारे से छोटे से नटखट से लाला हमारे, और स्नान तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। जितना राधा नाम सुनोगे उतनी ही शरीर में फुर्ती भी रहेगी आपके, पूरा दिन एनर्जी शरीर में बन जाती है। मैं भी यही करती हूँ, पूरा दिन अपने फोन में राधा नाम के गाने सुना करती हूँ और मैं अपना काम भी घर का फेस करती हूँ, चाहे कॉलेज का काम हो या फिर घर का काम हो, कोई भी घर का काम हो मैं करती जाती हूँ और गाने सुनती जाती हूँ साथ में। आप लोग भी यही करिएगा। तो मैंने लल्ला को अब एक लोगों ने हमें कमेंट किया था कि लल्ला को आप ऐसे क्यों दिखाती हो बिना वस्त्र के, तो अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी वो 1 साल के हुए हैं हमारे लल्ला, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको वस्त्र पहनाते जाएंगे। वैसे पहनते रहते पूरे दिन, सिर्फ स्नान के ही समय हम उनके वस्त्र निकालते हैं। तो उसमें फ़ोन में थोड़ा ब्रेक आ गया, ऐसे ऐड नहीं आती है, वो ऐड आ गई है इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी ऐसे तो पूरा दिन टाइम कपड़े हमारे लाला पहने रहते हैं, बस यही है कि जब स्नान करते हैं तो कपड़े निकालते, सभी लोग निकालते हैं। अब मेरा ही वीडियो कोई सबका वीडियो उठा के देख लीजिए, सब लोग ऐसे ही स्नान कराते हैं। राधा रानी चाहे जितनी बाल स्वरूप हो उनको कुछ ना कुछ हल्का सा वस्त्र लपेट कर ही स्नान कराया जाता है, और ये तो हमारे लाला ही हैं जो इनको ऐसे ही स्नान भी करा सकते हैं हम, क्योंकि पूरे वृंदावन के नटखट हैं हमारे छुटकी से लाला। अब इसके ऊपर ये बस पूछिएगा कि हमने ये हल्की सी ड्रेस इस ठंडक में इतना पहना दिया, इसके ऊपर स्वेटर पहनाएंगे। पहले हम सोच रहे थे पहले ऐसी हल्की ड्रेस पहना देते, ये देखिए उसके बाद उसके ऊपर से स्वेटर पहना लेंगे खाली, जैसे कि हम लोग अंदर या शुरू पहनते उसके ऊपर स्वेटर पहनते वैसे ही। तो ये लल्ला को हम स्वेटर पहना रहे हैं पिंक कलर का। मेरे ही वीडियो पे ऐसे कमेंट आते हैं, सबके वीडियो पे ऐसे कमेंट आते हैं, आप लोग बताइएगा जरूर। हमें लगता है मेरी ही वीडियो पे सिर्फ ऐसे कमेंट आते हैं, कहीं कोई कहेगा कि आप लोग ऐसे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो मतलब शंकर भगवान जी वो सुनाते हैं बहुत अच्छे, मतलब अच्छी सारी बातें बताते हैं, तो मैंने उनकी वीडियो काफ़ी डाली तो उसमें भी कमेंट आया कि आप ये लोग सिर्फ पैसा घसीटते हैं, पैसों के लिए हैं। और ये कमेंट तो समझ लो और किसी कोई धर्म के नहीं, अपने ही धर्म कर देते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच उसकी सोच, किसी की तो हम लोग बदल नहीं सकते ना। एक हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं तो सब किसी की सोच बता सकते हैं। आपको चेहरा नहीं दिख रहा होगा लल्ला का, अब दिखेगा
फोन बार बार वो नीचे ही हो जाता है। ऐसे भी अभी मैं आपको पूरा चेहरा दिखा दूंगी लाला को तैयार करके। इधर हमारी राधा रानी साथ में है। पूजा करते जाएंगे, बहुत लोग मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे फिर भी गलत कमेंट करेंगे। इसको करने का क्या फायदा। ये देखो हमारी राधा है। अब हम चंदन लगाएंगे अपनी लल्ला को। चंदन ऐसे ही ठंडक में तो बहुत ही कम लगाया जाता है, कभी कभी तो मैं लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि इतनी ठंडक ही होती है। येलो चंदन लगा दिया लल्ला को, फिर से रेड वाला लगा देते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि ये गलत कमेंट इनको मतलब करना आ घर से जाता। अब एक लोग बोल रही थी कि इनको बोलना नहीं आता, अब आप लोग बताइएगा अगर हमको बोलना नहीं आता तो हम वीडियो कैसे बनाते। आप मेरे कमेंट चेक करिएगा हर वीडियो के, आपको मिल जाएगा। कम से कम भगवान को तो ऐसे गलत कहा करो आप लोग, जिस भाव से पूजते उसी भाव से पूजिए। हम इंसान हैं, कुछ भी हमारे मुंह से निकल सकता है। चलिए फाइनली लाला हमारा तैयार हो चुके हैं। ये देखिए नहीं नहीं अभी फाइनली तैयार नहीं हुई है मैं लल्ला। चलिए कुछ भी बाकी है, ये बाकी है, ये कुछ अरे गिर भी गई। इसे हमने लल्ला को लगा दी, बहुत दिनों से नहीं लगाई थी लल्ला को, ठंडक हो रही थी इसलिए। ये रहा फाइनल लुक माय लल्ला का। और मुस्कान देखो कितनी प्यारी, देखा। चलिए राधे राधे आप सभी को, राधा नाम सुनते रहिए।